दरअसल अमेरिका में निशाने पर भारतीयों की अगली खबर भी है, जहां पर इंडियाना में भारतीय मूल के छात्र की हत्या कर दी गई। वरुण मनीष छेड़ा का शव आपको बता दें कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी कैंपस के मैक कचियोन हॉल में मिला है। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोप यूनिवर्सिटी में ही एक रूम मेट पर लगा हुआ है। एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शख्स कोरियाई मूल का है, जो वरुण के साथ कमरा शेयर करता था, यानी वरुण का रूममेट था। उसने ही रात करीब 12:45 पर फोन पर हत्या की सूचना दी। वरुण यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। कई बार तेज चोट और इसके कारण हुए जख्मों के बाद वरुण की मौत हो गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, वरुण की ये जो पहली तस्वीर है, वरुण की तस्वीर है, भारतीय मूल के ये छात्र जो कि अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर है, ये उस लड़के की तस्वीर है जो कि बाकायदा रूम शेयर कर रहा था और इसने हत्या की है। पुलिस की ओर से यही फिलहाल जानकारी दी गई है। आपको ये भी बता दें कि बड़ी तादाद में अमेरिका भारत से जाते हैं छात्र पढ़ाई करने के लिए, और अमेरिका के कुल छात्रों के अगर 20% हिस्से के जो छात्र हैं वो अकेले हिंदुस्तान से होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में भारतीय छात्र अमेरिका में रहकर हायर स्टडीज हासिल करते हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से दो घटनाएं हुई, पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक भारतीय परिवार को किडनैप किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और अब एक छात्र की, भारतीय मूल के एक छात्र की हत्या की गई है, यह अपने आप में बेहद सनसनीखेज खबर। हम आपको वरुण की तस्वीर दिखा रहे हैं। वरुण जो कि डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, उनकी हत्या की गई है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। वरुण का मर्डर हुआ है, और क्या कुछ वहां के पुलिस अधिकारियों का जरा कहना है वो भी सुन लीजिए आप। All I can say is really from the Purdue Police Department and Purdue University, our hearts go out to the victim and his family and friends and anybody who knew him or anybody who he may have touched in his life. This is extremely sad and unfortunate for us. तो देखिए, आप पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे, उनका यही कहना था कि एक तरफ वो संवेदनाएं व्यक्त करती है पीड़ित परिवार के साथ, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि मैं परेशान हूं इस घटना से। जांच हालांकि पूरे मामले में की जा रही है कि आखिर वरुण की हत्या क्यों की गई है, क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका में भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, या फिर जानबूझकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखिए, एक दिन में 5 लोगों की हत्या की गई है जो भारतीय मूल के हैं, जो कि वहां पर रह रहे थे। एक परिवार के 4 लोग उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। और दूसरी जो खबर है, भारतीय मूल के छात्र की हत्या कर दी गई है। सवाल यह है कि ये भारतीयों के खिलाफ हिंसा अमेरिका में बढ़ती क्यों जा रही है, कहीं ये कोई रेसिस्ट अटैक का मामला तो नहीं है? अमेरिका ने में निशाने पर भारतीय क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए चूंकि पंजाब के होशियारपुर का ये परिवार था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, बातचीत वो कर रहे हैं विदेश मंत्री से कि इस मामले को अमेरिका सरकार के समक्ष उठाया जाए, इसकी जाँच हो कि आखिर भारतीयों को वहां पर टारगेट पर कौन ले रहा है। देखिए, एक तरफ पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है अमेरिका में, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट, एक छात्र की इंडियाना में, अमेरिका के इंडियाना में ही चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, और आरोप लगता है वरुण के रूममेट पर। दरअसल कोरिया मूल का एक छात्र है जिस पर यह आरोप लगा है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि वरुण की हत्या क्यों की गई है, अब जैसे जैसे जांच इस पूरे मामले में की जाएगी उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। पहली खबर कैलिफोर्निया से है, जहां पर एक परिवार का किडनैप कर 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इनमें एक 8 महीने का मासूम बच्ची भी शामिल थे। वहीं दूसरी खबर इंडियाना से आई है, जहां के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र की हत्या उसके रूममेट ने कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि वरुण नाम के इस छात्र का हत्यारा उसका रूममेट ही है, जो दक्षिण कोरियाई मूल का है। ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें काफी अहम है इस वक्त की सबसे बड़ी दो तस्वीर। भारत के लोग जो अमेरिका में जाकर रहते हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मसला है। कैलिफोर्निया में एक परिवार की हत्या कर दी जाती है। भारत में पंजाब के होशियारपुर का ये रहने वाला परिवार था, हंसता खेलता परिवार। पहले अपहरण और उसके बाद इनके निधन की सूचना आती है कि इनको मार दिया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के इस छात्र की तस्वीर, भारत का छात्र जो कि अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वहां पर उसकी हत्या उसके रूममेट नहीं करती। तो देखिए, सवाल यह है कि अमेरिका में भारतीयों का आखिर हत्यारा कौन है, क्योंकि कैलिफोर्निया में जिस अंदाज में भारतीय परिवार को पहले घर से अगवा किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई, तो वो बड़े सवाल खड़े करती है। भारतीय मूल के जिन 4 लोगों की हत्या की गई उनमें 8 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। कैलिफोर्निया प्रांत के मर्सिड शहर में जसदीप सिंह, जिनकी उम्र 36 साल थी, उनकी पत्नी जसलीन कौर, 27 साल की उनकी पत्नी की उम्र थी, और उनकी 8 महीने की बच्ची आरोही और जसदीप के भाई अमनदीप सिंह का अपहरण पहले किया जाता है। चारों के शव अब एक बागीचे में पाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इन चारों का कैलिफोर्निया के मर्सिड में एक व्यावसायिक कार्यालय से अपहरण किया गया, और चारों के शव बुधवार शाम को इंडियाना रोड और
हचिंसन रोड के पास से एक बगीचे से मिला है। बगीचे में शव मिलने की सूचना देखते ही इस तरीके से खेत के मजदूर ने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। घटनास्थल पर चारों के शव पास पास ही पड़े हुए थे। अब पूरे मामले में जांच की जा रही है। हालांकि अपहरण करते हुए देखे वो तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है जब ये सीसीटीवी तस्वीर जब इस परिवार का अपहरण किया गया था उस समय की ये तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये हंसता खेलता परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग भारत से जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन किस तरीके से उनकी सुरक्षा फिलहाल इन दो घटनाओं की वजह से खतरे में वहां पर दिखाई दे रही है। 8 महीने की एक बच्ची भी उनके परिवार में शामिल थी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सवाल सबसे बड़ा यह कि भारतीयों का अमेरिका में यह हत्यारा कौन है? पहले इस परिवार का अपहरण किया जाता है। पंजाब के होशियारपुर का यह परिवार रहने वाला था, पहले इनका अपहरण किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से 8 महीने की ये मासूम है जैसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये इस दुनिया में नहीं है, पहले इनका अपहरण किया जाता है। जसदीप सिंह और उनका यह परिवार, जसदीप सिंह और उनकी पत्नी जसलीन कौर और उनकी 8 महीने की बच्ची जिसका नाम आरहुई है। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी में कैद हुई थी अपहरण की यह वारदात, उसके बाद से इनका पता नहीं चल पा रहा था। अब एक बागीचे में इनका शव पूरे परिवार का बरामद हुआ है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन लोगों का हत्यारा कौन है? होशियारपुर का यह परिवार रहने वाला था, परिवार में मातम का माहौल है, लोग सदमे में हैं। फिलहाल जानकारी यह भी है कि संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लगातार वो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल बड़े ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो हत्यारा कौन है? क्या किसी साजिश के तहत पहले प्री प्लानिंग की गई थी, क्योंकि अपहरण पहले किया गया था। सीसीटीवी में पूरी अपहरण की वो वारदात कैद हो गई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए एक एक तस्वीर और अब किस तरीके से संदिग्ध आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है कैसे घर से एक एक जानकारी है कि इनका बिजनेस ऑफिस था या दफ्तर था, वहां से इनको किडनैप किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये दो लोग आते हैं और इस परिवार को किडनैप करके वहां से लेकर जाते हैं। इसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। अब एक बागीचे में इनका शव बरामद हुआ है। ये तब की तस्वीर है जब इन्हें किडनैप किया गया था इनके बिजनेस ऑफिस से। और देखिए आगे जसलीन कौर है जिनके हाथ, जिनकी गोद में उनकी बच्ची थी, सिर्फ 8 महीने की ये मासूम जो अब इस दुनिया में नहीं। तो देखिए आरोपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है एक के बाद एक इस ऑफिस से। देखिए सबसे पहले 2 आदमी बाहर आते हुए, ये आरोपी है। उसके बाद ये देखिए महिला बाहर आती है, छोटी सी 8 महीने की बच्ची उसके पास है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। इन सभी की चारों की हत्या कर दी गई है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका में जो भारतीय वो सुरक्षित नहीं है? पंजाब के होशियारपुर का एक पूरा परिवार बताया जा रहा रहने वाला था और अब ये चारों इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सवाल इस हत्या के बाद तमाम खड़े हो चुके हैं। पहले अपहरण किया गया तो क्या अपहरण के बाद कोई डिमांड रखी गई थी? क्योंकि ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज जो आपको दिखा रहे हैं वो अभी तक सामने आया है। और ये कहा जा रहा है कि आरोपी जो संदिग्ध आरोपी है, क्योंकि उसने मास्क भी लगाया हुआ है, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मास्क लगाया हुआ है, चेहरा ढका हुआ है, अपना हुलिया छुपाने की कोशिश की गई है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की गई है। लेकिन उन लोगों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। अमनदीप सिंह जिसकी उम्र 36 साल थी, आरोही उनकी महज किस तरीके से 8 महीने की मासूम बच्ची, पूरा का पूरा परिवार, ये उनकी पत्नी जिनकी हत्या कर दी गई। और ये कहा जा रहा है कि इनका भाई, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब कोई भी इस दुनिया में नहीं। अपहरण के बाद इनको मौत के घाट उतार दिया गया है। मनोज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, ये खबर बेहद परेशान करने वाली खबर है। आप देखिए एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 8 महीने की ये बच्ची, उसे भी इन आरोपियों ने बख्शा नहीं। ये भारत के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा ये गंभीर मसला। बिल्कुल देखिए, बहुत ये हैरान करने वाली और दुखद घटना है, न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एक ही परिवार के जो 4 सदस्य हैं, पहले इनका अपहरण किया गया और तभी से लगातार जो परिजन है वो चिंतित दिखाई दे रहे थे, और अब ये कंफर्म हो चुका है। वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसने कंफर्म किया है कि चारों के जो शव हैं वो बरामद हो गए हैं। तो एक बड़ा झटका और बड़ा सदमा हम कह सकते हैं पूरे पंजाब के लिए है। और इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इसमें, केंद्रीय जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनसे अपील की है कि इसकी एक जो उच्च स्तरीय जांच है वो कराई जाए। फिलहाल जो यहाँ परिजन है पंजाब में,
उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, वो भी लगातार वहाँ जानकारी फिलहाल। मनोज जरा ये बताएं कि जो मृतक परिवार है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कभी उन्होंने जो पंजाब में उनका पूरा परिवार है उनसे फोन पर बात की हो, कोई ऐसी घटना का जिक्र क्या हो या ऐसा कुछ बताया कि वो परेशान है, धमकी मिल रही है या कोई उनकी रैकी कर रहा है, ऐसी कोई भी जानकारी कभी साझा की? देखिए जो ये मृतक परिवार है ये करीब पिछले 15 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, कैलिफोर्निया में, और यहाँ जो उनके पेरेंट्स हैं माता पिता वो भी कुछ समय पहले वहाँ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं अब बस वही बचे हैं। हालांकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ अक्सर आया जाया करते थे माथा टेकने के लिए, परिजनों से मुलाकात के लिए, लेकिन इस प्रकार की आशंका कभी पहले जताई नहीं गई है। तो इसके पीछे मोटिव क्या है ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर यह हत्या और अपहरण क्यों किया गया है, और सभी इसी जवाब है तलाशने में जुटे हुए हैं।